कन्हान के साप्ताहिक बाजार में पिछले महीने कुछ गुंडों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर हथियार लेकर आतंक मचाया था। इस मामले में मुख्य आरोपी खैलेश पंचम सलामे और शुभम पंचम सलामे को स्थानीय गुनी शाखा पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए कन्हान पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि पिछले महीने के शुक्रवार 3 फरवरी को शाम के समय कुछ गुंडों ने राष्ट्रीय महामार्ग पर तलवार, चाकू, देशी कट्टा, डंडे हाथ में लेकर आतंक मचाते हुए आम नागरिक दुकानदारों से मारपीट कर वाहनों की तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कन्हान पुलिस ने 10 से 12 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी थी। करीब 1.5 महीने के बाद स्थानीय क्राइम ब्रांच पुलिस ने शुक्रवार 31 मार्च को सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान मुख्य आरोपी खैलेश सलामे और शुभम सलामे को वाना डोंगरी हिंगना से गिरफ्तार कर कन्हान पुलिस के हवाले कर दिया। आगे की जांच कन्हान पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र TV24 के लिए ऋषभ बावनकर की रिपोर्ट, कन्हान, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।